आज हम जानेंगे डायनासोर कितने प्रकार के होते हैं, डायनासोर के नाम, डायनासोर की प्रजाति और उनसे जुड़ी रोचक बातें। वैसे देखा जाए तो डायनासोरस में बहुत सारी प्रजातियां, नाम और प्रकार हैं। मगर हम उनमें से कुछ मुख्य प्रजातियों और प्रकारों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टायरानोसोरस। टायरानोसोरस दुनिया के उन हिस्सों में रहते थे जहाँ पर अभी दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका है। टायरानोसोरस की लंबाई 13 से 14 मीटर तक रह सकती है और उनका वजन 7 से 8 टन तक हो सकता है। टायरानोसोरस आज से 65 लाख साल पहले क्रिटेशियस काल में हुआ करते थे। उनके दौनेकी की रफ्तार 20 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और वो अपने विशाल सिर और लंबी पूंछ से अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते थे। टायरानोसोरस डायनासोर मांसाहारी जीव थे और उन्हें टी-रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स डायनासोरस को तीन सिंग वाले सर की वजह से उसे ट्रीसेराटॉप्स नाम रखा गया है। ये डायनासोरस की प्रजाति हमेशा झुंड में रहते थे। इन डायनासोरस के अवशेष पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं। ट्राइसेराटॉप्स एक बहुत भारी, बड़े और एक शाकाहारी डायनासोरस थे और ये डायनासोरस 7 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग के अंत तक थे। थर्ड अपाटोसोरस और ब्रोंटोसोरस। अपाटोसोरस एक विशाल डायनासोरस था जिसे ब्रोंटोसोरस भी कहते हैं। इस डायनासोरस के अवशेष 1877 में चार्ल्स मार्श ने खोजे थे। इस डायनासोरस की लंबाई 20 से 25 मीटर तक हो सकती है और वजन 20 से 25 टन तक हो सकता है। अपाटोसोरस ये डायनासोरस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा प्राणी था और ये डायनासोरस शाकाहारी थे। अपाटोसोरस को अपने पूर्ण आकार में आने के लिए 10 से 11 साल लगते हैं। इस डायनासोरस की लंबी पूंछ होती जो कि उसकी लंबी गर्दन को संतुलन बनाए रखती थी। ये डायनासोरस जुरासिक काल में आज से 15 करोड़ साल पहले हुआ करते थे। फोर्थ जिगानोटोसोरस। जिगानोटोसोरस आकार में टी-रेक्स डायनासोरस से भी बड़े डायनासोरस थे और वो अपने दो पैरों पे चलते थे। उनका वजन 12 से 13 टन तक हो सकता है और उनके दौने की रफ्तार 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इनकी खोपड़ी बहुत बड़ी होने के बावजूद ये डायनासोरस तेज दौने के साथ साथ अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते थे। जिगानोटोसोरस बहुत ही होशियार शिकारी थे। वो अपने शिकार के गंध को बहुत ही दूर से और गहराई से सूंघ लेते थे। इनका जीवाश्म 1993 में मिला था। फिफ्थ स्पाइनासोर। स्पाइनासोरस बहुत ही बड़े डायनासोरस थे जिसकी लंबाई 12 से 15 मीटर तक और उनका वजन 10 से 12 टन तक हो सकता था। शायद ये डायनासोरस बहुत ही बड़े मांसाहारी डायनासोरस थे। स्पाइनासोरस का नाम उनकी विशाल पेट से हो सकता है जो उनके शरीर के ऊपर बहुत बड़ी पेट है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक हो सकती है। ये डायनासोरस दो पैरों पे चलते थे और अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके नीचे झुककर भी अपना शिकार कर सकते थे। सिक्स्थ एलोसोरस। एलोसोरस एलोसोरस एक मांसाहारी डायनासोरस था जिसके तेज और लंबे दांत थे। एलोसोरस के जीवाश्म अमेरिका में पाए गए हैं। एलोसोरस आज से 15 करोड़ साल पहले जुरासिक काल में हुआ करते थे। एलोसोरस का वजन 2 से 3 टन तक हो सकता है और लंबाई 8 से 9 मीटर तक हो सकती है। एलोसोरस की खोपड़ी बहुत ही बड़ी थी और वो अपनी पूंछ से शरीर और सिर का संतुलन बनाए रखता था। इनके जीवाश्म पश्चिमी अमेरिका में पाए गए थे। सेवंथ वेलोसिराप्टर। वेलोसिराप्टर आज से 70 लाख साल पहले क्रिटेशियस काल में हुआ करते थे। वेलोसिराप्टर की लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक हो सकती है और ऊंचाई 0.5 से 1 मीटर तक हो सकती है। वेलोसिराप्टर का वजन 15 से 25 किलो तक हो सकता है। सबसे पहले वेलोसिराप्टर का जीवाश्म 1922 में मंगोलियन गोबी मरुस्थल में मिला था। वेलोसिराप्टर एक बहुत ही चालाक शिकारी था। उनका शिकार करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त था। वो अपने शिकार को पैरों के पंजों से वार करके शिकार को घायल करता था। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर कितने प्रकार के होते हैं, डायनासोर के नाम, डायनासोर की प्रजाति, डायनासोर के प्रकार, डायनासोर कितने होठ हैं की जानकारी। आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स करके बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।